बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरा नाम डॉक्टर साहिद महमूद है और मैं HRM डेयरीज पे एज ए फार्म मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो एक सीरीज़ हमने चलाई थी वीडियोस में, पीछे मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं, तो उसमें हम सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं आगे। पहले हमने बनाई थी वीनिंग से पहले कि हम काव्स को क्या फीड देते हैं डे फर्स्ट से लेके 90 डेज तक। तो उसके बाद सेकेंड वीडियो हमने बनाई थी कि वीनिंग के बाद जो है हम काव्स की जो फीड है वो किस तरह करते हैं, तो वो थी 3 से 6 महीने तक। तो आज हम एक अगला बैच डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास 2 बैच हैं, ये एक बैच है, इनकी जो एज है वो 6 से 10 महीने के बीच में है, और ये दूसरा बैच है जो हमारा 10 महीने और 11 महीने वाला है, यानी 10 और 12 के दरमियान में है। तो इनकी तो हमने अब 10वें महीने पर ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी थी, और इनमें माशाल्लाह अभी कुछ 20 के राउंड बोर्ड जो हैं हीफर जो हैं वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, और कोई 30 के राउंड बोर्ड जो हैं उनकी इंसेमिनेशन हो चुकी है। तो इसके अब हमने बेसिकली आपको ये बताना था कि आपने फीड प्लान इनका 6 महीने के बाद आपने किस तरह लेके चलना है। तो 6 महीने तक ये होता है कि हमारी मैक्सिमम काव्स का जो हम जो आप इस तरह कह लें कि हम जो मैक्सिमम जो जोर लगाते हैं जानवर पर या उसको हाई फीड देते हैं, वो हमारी कोशिश होती है कि 6 महीने तक हम उसको दे दें, तो मैक्सिमम वेट जो है हम वो 6 महीने तक हासिल कर लेते हैं। बट 6 से 10 महीने के दरमियान हम उसकी फीड जो है वो डाउन कर देते हैं ताकि वो जो इकोनॉमिकल फीड रह जाए, और क्योंकि उस वक्त हमें इतना कोई ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता एनिमल की ग्रोथ पे, सो हम उसको 6 महीने के बाद फीड को चेंज कर देते हैं। उसमें मेन जो ये होता है कि हम उसमें ग्रेन्स जो हैं वो कम कर देते हैं, और उसमें CP जो है या एनर्जी है वो कम कर देते हैं, और साथ हम उसको पाउडर डालना शुरू कर देते हैं। उसमें मेन हमारे पास जो साइलेज होता है, और अगर हे मिल जाए तो वो बेस्ट होती है। तो उसके बाद हम 10 महीने तक हम इसी तरह चलते हैं इसी फीड पर। हम जो आखिरी 10 महीने से लेके 12वें तक हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ काव्स या हीफर्स हैं जिनका वेट हमें लग रहा होता है कि ये अचीव नहीं करेंगे, तो उनको हम फीड जो है वो एक हाई पोटेंशियल वाली फीड देते हैं, जिसपे हम मैक्सिमम उनकी ग्रोथ लेके 10वें महीने पे वेट अचीव कर लेते होते हैं। बट अगर हीफर्स आपकी ठीक जा रही हों तो वो 7वें 8वें महीने में जो है वो मैक्सिमम 300-350 kg वेट कर जाती हैं, तो वो 7 से आगे जो 3 महीने होते हैं उन पे हम फिर उनको नॉर्मल फीड डालते हैं जिसमें ग्रेन्स बहुत ही कम होते हैं और साइलेज और कड़ा हम मिक्स करते हैं। तो ये बैच है, ये इसकी एज मैंने आपको बता दी 6 से 10 महीने के दरमियान है। इनकी ये जो वेट है वो प्रीवियस वेट जो हमने लिया था वो 350 से लेके 400 से बिटवीन है। तो 400 हमारा मार्कर होता है जहाँ पे हम इनको AI करते होते हैं। तो इनकी फीड अगर हम देखें तो इसमें अब 6 महीने के बाद हमने इनकी फीड में चेंजेस किए हैं, वो मैं आपको रैंडमली बता देता हूँ। तो इसमें क्या था कि हमने 6 महीने तक तो उनको साइलेज या फोडर डालना ही नहीं था, 6 महीने बाद हम क्या करते हैं इनको हम साइलेज पे ले जाते हैं इनको। तो इसमें साइलेज 5 किलो साइलेज होता है और 5 किलो हम कड़ब डालते हैं। तो कड़ब आपको पता है कि जब हम छली या ग्रेन्स अलहदा कर लेते हैं तो बाकी जो पौधा बचता है उसको हम सेम साइलेज पर साइलेज का प्रोसेस करके उसको फर्मेंटेड करके एनिमल्स को दे देते हैं। तो ये 5 किलो तकरीबन साइलेज बनता है और 5 इनका जो है वो कड़ब बनती है। मकई जो ग्रेन है ग्राइंड करके वो 1/2 किलो है। इसी तरह जो है कैनोला वो 750 ग्राम है। सोया जो है 250 ग्राम है। सोडा 50 ग्राम है। DCP 50 ग्राम है। नमक 30 ग्राम है। मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो 10 ग्राम है। मिनरल जो है वो 40 ग्राम है। चोकर इसमें है जो वो 1/2 kg है। एक चीज़ जो मोस्टली बंदे नहीं डालते होते या मोस्टली फार्म्स पे नहीं डाल रही होती वो है बाईपास अमाइनो एसिड्स। तो हम इनको लाइसिन और मिथायोनिन 3-3 ग्राम वो डालते हैं, साथ यीस्ट डालते हैं 3 ग्राम, और जो लाइमस्टोन है इसको चूना भी कहते हैं वो 40 ग्राम है, जो कैल्शियम का और कैल्शियम का डेफिनेटली सोर्स होता है। तो ये फीड है हमारी। तो अगर हम इसको कंपेरिजन करें 6 महीने से पहले वाली फीड से तो उसमें क्या था, उसमें हम मेजर पोर्शन था जो था वो काफ स्टार्टर का था, और जिसकी आपको बताया था कि CP जो राउंड बोर्ड थी वो 23 की थी, और साथ 30-40 ग्राम उसको डाल रहे थे तूड़ी। बट यहाँ पे आप हमने आके क्या किया कि ग्रेन हम उसके जो हैं वो लिमिटेड कर दिए, तकरीबन हम 2 kg के राउंड बोर्ड ग्रेन इनको डाल रहे हैं, साथ साइलेज और कड़ब डाल दिए। तो ये इकोनॉमिकल फील्ड है फीड है,
बट इससे क्या होगा कि इससे एनिमल आपका वहाँ पे रुकेगा नहीं, इससे उसकी ग्रोथ जो है वो उसी स्पीड से ऊपर जा रही होगी। इसी तरह हम इनको अब आगे लेके जाते हैं, जब हम आठवें महीने में देखते हैं कि इनका मैक्सिमम अगर वेट हमारे पास आ जाए 300 350, तो फिर हम क्या करते हैं इनको इससे भी ग्रेन्स जो हैं वो डाउन कर देते हैं, वो हम तकरीबन 1 kg या 1.5 kg पे आ जाते हैं और साथ बाकी फॉडर जो है वो सेम रहता है। तो इसका बेसिकली मकसद बताने का ये था कि जब आपका काफ पैदा होता है तो आपने उसको शुरू में जो फीड देनी है वो आप हाई पोटेंशियल वाली फीड दें ताकि वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ करे और अपना मैक्सिमम वेट लें। जब आपको लगे कि मैं अब मेरा लाइक टारगेट है 10 महीने में मैंने 400 kg लेना है, तो जब आपको लगे खासकर जब हमें लगता है कि 8 महीने में ये अब वेट कर जाएगा अपना 10 महीने में पूरा, तो हम 8वें महीने से इनकी फीड और डाउन कर देते हैं, सो उसी हिसाब से फिर ये अपना ग्रोथ लेके चलते हैं। बट अगर कोई बच्चा जो या हीफर है वो हमें लगती है कि अगर वो वेट अपना अचीव नहीं करेगी 10 महीने तक, तो हम उस इसको इसी फीड पे लेके चलते हैं। और समटाइम्स कुछ जो काव्स होते हैं 3 या 4 जो किसी भी डिज़ीज़ की वजह से उनकी ग्रोथ जो है डिस्टर्ब होती होती है, तो उनको फिर हम आखिरी महीने में इससे हाई पोटेंशियल वाली फीड देते हैं, उसमें फिर हम उसको ग्रोथ जो है मैक्सिमम लेते होते हैं। तो ताकि हम 10 महीने, तो हमारा टारगेट होता है 10 महीने में हम 400 kg लेते होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी, अगर आप अपने एनिमल्स की फीड में न्यूट्रिशन में उनको बैलेंस डाइट देते हैं तो वो डेफिनेटली आपको अपने टारगेट पे पूरा वेट देगी और डेफिनेटली वो आपको प्रेग्नेंट जल्दी होगी और काविंग भी पहले देगी। ये जो बैज है अब ये तकरीबन 10 महीने इनके 10 महीने से 12 महीने की एज है और ये अब अपना वेट जो है वो अचीव कर चुकी हैं। तो इनको अब हमने ग्रेन्स बहुत कम कर दिए हैं, 1 kg के राउंड अबाउट इनके ग्रेन्स हैं और साथ वही साइलेज और कड़प चल रही है। तो ये अब हम 10वें महीने पे इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मैक्सिमम एनिमल्स हैं वो फर्स्ट सीमन पे ही ठहर जाती होती हैं। लास्ट टाइम हमारे 70 में से 40 जो थी वो फर्स्ट इंसेमिनेशन पे कंसीव हो गई थी, ओवरऑल हमारी 1.3 आई थी इन पे। तो इससे ये होता है कि जब आप बैलेंस डाइट देते हैं एनिमल्स की, बैलेंस डाइट देने से ग्रोथ और आपकी जो है वो हाइट अचीव हो जाती है, तो एनिमल आपको कंसेप्शन में भी बेहतरीन रिजल्ट देता है। बट अगर आपकी हीफर वो कंप्रोमाइज़ होगी तो वो डेफिनेटली आपके कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम करेगी और वहाँ पे भी आपके पैसे लगवाएगी। दूसरे नंबर पे मेन जो चीज़ थी, अगर आप इन हीफर्स को देखें तो आपको इन हीफर्स में कोई भी हीफर आपको फैटी नज़र नहीं आ रही होगी। यहाँ पे मोस्टली की 3 रिब्स 4 रिब्स ओपन हैं और कोई फैटी जो है हीफर नहीं, और यही हमारा मकसद है। जब आपकी हीफर फैटी होना शुरू हो जाती है तो समझिए आपकी न्यूट्रिशन जो है वो ठीक नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट जो बनती है वो आप नहीं दे रहे हैं। तो फैटी जो हीफर होती है आपकी वो रिप्रोडक्शन में भी मसाइल आपको करती है, वो जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होती और इसी तरह वो कामिंग से पहले बहुत एक्स्ट्रा आर्डनरी अपना वेट ले जाती है और हाइट में भी उसके कंप्रोमाइज़ होती है। इसी तरह इस बैच को भी आप देखें तो इसमें कोई हीफर आपको ये नज़र नहीं आ रही होगी कि जो फैटी होगी। 3 से 4 रिब्स सारियों की ओपन है और हाइट आप देख लें, और साथ इनके अगर आप पेट देखें तो किसी भी हीफर का पेट जो है वो लटका नहीं होगा। तो यही आपकी अगर आपने चेक करना है कि मेरे जानवर को या हीफर को सही न्यूट्रिशन जा रही है या नहीं है, तो ये मार्कर होते हैं। आपने उसकी हाइट देखनी है, आपने उसको देखना है कि वो आपके फैटी तो नहीं है कहीं हीफर, और थर्ड नंबर पर ये कि उसका पेट तो कहीं नहीं निकला हुआ। तो अगर ये चीज़ें आपके हीफर में हैं तो इट्स मीन आपकी जो डाइट है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है। तो हीफर ही आपके के फ्यूचर में जो है वो रिप्लेसिंग मिल्किंग हर्ड में तब्दील होनी होती हैं। तो जो असल तरीका है वो, या अगर आपने प्रॉफिटेबल डेयरी बनानी तो वो यही है कि आप टाइमली अपने हीफर पे इन्वेस्ट करें और तब उससे रिटर्न करें टाइमली। तो ये बेसिक थी आज इसकी वीडियो हमने बनाई है, ये 6 से 10 महीने वाली हीफर्स की। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको जो 10 महीने तक जब हम वेट अचीव कर लेते हैं 400 kg, तो फिर इनके फीड प्लान आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।